आज हम डिस्कस करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज CAD के बारे में। कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसको हम कोरोनरी हार्ट डिसीज के नाम से भी जानते हैं, कोरोनरी हार्ट डिसीज के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसको दिल का दौरा बोलते हैं। विश्व की मैक्सिमम डेथ रेट में जो हार्ट डिसीज को माना जाता है, मेनली जो कोरोनरी हार्ट डिसीज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड जितने भी कार्डियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कार्डियो डिसऑर्डर है, इनको हम मैक्सिमम डेथ रेट जो है हर साल इन्हीं के द्वारा होती है। सो हम जो है कोरोनरी हार्ट डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कोरोनरी आर्टरी डिसीज एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ फैट एबनॉर्मल तरीके से फैट का ऑक्यूमुलेशन होना, डिपॉजिट होना, किसका? फैट का। इसी को हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं। या अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन देखें तो इट इज ए पैथोलॉजी ऑफ कोरोनरी आर्टरी वेहन एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन इन अ कोरोनरी आर्टरी। एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन इन कोरोनरी आर्टरी इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिसीज। यह एक पैथोलॉजी है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी कोरोनरी आर्टरी की एक पैथोलॉजी है जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स एबनॉर्मल फैट का ऑक्यूमुलेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन और एम्बोलिज्म या क्लॉट फॉर्मेशन। एथेरोस्क्लेरोसिस एक तरह का वर्ड है जिसका कॉम्बिनेशन या तो किसी तरह का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हुआ फैट का, या थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ, या एम्बोलिज्म हुआ, इसी का सम्मिलित रूप में हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। यानी कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो है वो एक पैथोलॉजी है जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी एबनॉर्मल फैट एक्यूमुलेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन और एम्बोलिज्म या किसी प्रकार का क्लॉट का फॉर्मेशन होना, कहाँ पर? कोरोनरी आर्टरी में। इसी को हम CAD के नाम से जाना जाता है। किस तरह से होता है? एबनॉर्मल एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कोई भी थ्रोम्बस है या एम्बोलिज्म है या फैट डिपोजिशन है जिसके कारण यह तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है जिसके कारण ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड की सप्लाई जो है कम हो जाती है और ब्लड डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज में कुछ नहीं होता है, ब्लड की सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो ये कोरोनरी आर्टरी एक तरह की डिसीज है जिसमें किसी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन होता है
एनी टाइप ऑब्स्ट्रक्शन या और एथेरोस्क्लेरोसिस जिसके कारण ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। इसी को हम CAD बोलते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का ऑक्लूजन होना, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होना, क्लॉटिंग होना या इम्बोलिज्म होना, इसी जिसके कारण ब्लड के सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो या इम्पेडमेंट हो, ब्लड का सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो या फिर जो सप्लाई है वो ऑर्गन तक कम हो जाए ब्लड की और डिमांड बढ़ जाए, उसी को हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं। यानी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ये हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फॉर एग्जाम्पल एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन हो गया, जिसके कारण जो डायमीटर है, जो प्रॉपर डायमीटर नॉर्मल डायमीटर था जो ब्लड वेसल्स का, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया, उसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो गया और इसी इम्पेयर्डनेस की वजह से यहाँ पर CAD हो गया। ठीक है, कुछ कारण होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज के, कॉजेस मेन कॉजेस अननोन है, रिस्क फैक्टर की हम बात करेंगे। सो हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल कारण और रिस्क फैक्टर क्या है कोरोनरी आर्टरी डिसीज के। तो इसका कॉज जो है वो अननोन है मेन कॉज। तो इसके रिस्क फैक्टर की बात करें हम तो दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं, मॉडिफिकेबल रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडिफिकेबल। मॉडिफिकेबल वो होते हैं जिनको हम परिवर्तित करके जो है किसी भी पैथोलॉजी को हम क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जिसमें मेनली जो रहता है ओबेसिटी। अगर कोई आदमी मोटापा से ग्रसित है या ओबेस है तो उसकी लाइफ स्टाइल में हम चेंजेस करके उसको ठीक कर सकते हैं। हैबिट, यानी किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, स्मोकिंग की आदत है, तो उसकी आदत को छुड़वा कर हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। हाइपर होमोसिस्टीनेमिया, जो कि एक तरह का अमीनो एसिड्स रहता है, इसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। हाइपरटेंशन, इरेगुलर लाइफ स्टाइल, ये इन जो फैक्टर रहते हैं, ये फैक्टर है इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अपोजिट साइड में नॉन मॉडिफिकेबल रिस्क फैक्टर रहते हैं जिनका हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। एज जो है एक पर्टिकुलर 65 साल ईयर की जो एज है इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। जेनेटिक मेकअप को भी हम चेंज नहीं कर सकते, हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते, फैमिली हिस्ट्री में किसी को है तो यानी टोटली हम इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सो हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेबल फैक्टर में ओबेसिटी को। ओबेसिटी किस तरह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्रिएट करती है, किस तरह से सीन होता है हम देखेंगे, यानी हर एक की पैथोफिजियोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। ओबेसिटी में क्या होता है, किस तरह से बढ़ती है, अगर कोई व्यक्ति इनएक्टिव है यानी लगातार समय से काम नहीं कर रहा है, उसके कारण इनएक्टिव है तो क्या होगा, खाएगा पिएगा और क्या होगा, वेट गेन करेगा। व्यक्ति का वेट गेन हुआ उसके कारण जो है शरीर में लिपिड का लेवल जो है इंक्रीज लिपिड लेवल, इसके कारण हाई कोलेस्ट्रॉल यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपर कोलेस्ट्रोलमिया। यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, इसके कारण कोलेस्ट्रॉल में अनेक कंटेंट रहते हैं जैसे कि HDL हाई डेंसिटी लिपिड, LDL, VLDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन,
लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाएगा, एलडीएल का लेवल कम हो जाएगा, एलडीएल का बढ़ जाएगा और वीएलडीएल का बढ़ जाएगा। ये सब एथेरोस्क्लेरोसिस क्रिएट करते हैं और यही सीएटी का इंडिकेटर है। ठीक है, सो ओबेसिटी, अगर कोई ओबेस पेशेंट है तो वो इनएक्टिव रहता है जिसके कारण उसका वेट गेन हो जाता है। वेट गेन हुआ तो ओबेसली बात है कि लिपिड का लेवल भी बढ़ेगा जिसके कारण हाइपर कोलेस्ट्रोलमिया हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेगा जो कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल, अगर लिपिड प्रोफाइल के अंदर आते हैं ये ट्राइग्लिसराइड लेवल, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ये बढ़ेंगे जिसके कारण ये इंडिकेटर है एथेरोस्क्लेरोसिस के और सीएडी के। दूसरा है हैबिट, और हैबिट जो रहती है उसमें मेनली हम स्मोकिंग की बात करेंगे कि स्मोकिंग किस तरह से सीएडी क्रिएट करता है। हैबिट यानी स्मोकिंग की हैबिट है तो हम सब जानते हैं स्मोकिंग करना बहुत ही बुरी बात है, ये मेनली लंग कैंसर भी करवाता है एंड इसके अलावा हार्ट डिसीज में किस तरह से पैथोलॉजी क्रिएशन करता है ये भी देखेंगे। तो स्मोकिंग के अगर तोबे को स्मोकिंग कर रहे हैं तो इसमें निकोटीन रहता है, निकोटीन, ये निकोटीन हमारे हार्ट के अंदर जो रहती है एंडोथेलियल लेयर रहती है, एंडोथेलियल सेल रहती है, लेयर वहां जाके इरिटेशन करता है, उस एंडोथेलियल को इरिटेट करता है। ठीक है, वहां पर एंडोथेलियल इंजुरी होती है एंडोथेलियल इंजुरी होने के बाद वहां पर इंफ्लामेटरी इवेंट्स होते हैं, इंफ्लामेशन की प्रोसेस होती है, इंफ्लामेटरी इवेंट्स वहां पर होते हैं जिसके बाद थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, और यही थ्रोम्बस फॉर्मेशन जो है कैटेकैलामाइन रिलीज करता है जो कि कैटेकैलामाइन रिलीज करता है जो कि वैसोकॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। वैसोकॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, वैसोकॉन्ट्रैक्शन अगर होता है तो हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन अगर हुआ है तो सीएडी। ठीक है, तो इस तरह से एक स्मोकिंग जो है वो हार्ट डिसीज क्रिएट करती है। फर्स्ट में अगर इरेगुलर हैबिट है, यानी हमारी गंदी हैबिट है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है पेशेंट की, तो वो उसके अंदर निकोटीन पाया जाता है तोबेको के अंदर जो कि एंडोथेलियल लेयर जो रहती है उसको इरिटेट करता है, उसके कारण एंडोथेलियल इंजुरी होती है। बार बार इरिटेट करेगा, बार बार अगर वहाँ जाकर अटैक करेगा तो इरिटेट होगी, उसके कारण इंजुरी होगी, इंजुरी के कारण इंफ्लामेटरी इवेंट होगा यानी इंफ्लामेशन की प्रोसेस होगी, उसके बाद थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा, कैटेकैलामाइन रिलीज होता है जो कि वैसोकॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। अगर वैसोकॉन्ट्रैक्शन लंबे टाइम तक अगर रहा है तो हाइपरटेंशन की सिचुएशन क्रिएट होगी और यह जो है जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है हाइपर होमोसिटीमिया, हाइपर होमोसिस्टीन, हाइपर होमोसिस्टीमिया यह एक तरह का अमीनो एसिड है जो कि ब्लड के अंदर पाया जाता है। इसका लेवल जो है ब्लड में अगर बढ़ जाता है तो इसको हाइपर होमोसिस्टीमिया बोलते हैं। ठीक है, ये किस तरह से जो है सीएडी करता है, जब हाइपर होमोसिस्टीमिया होता है, अगर कोई अल्कोहल इंटेक वाला पेशेंट है, अल्कोहल कंजप्शन वाला पेशेंट है, अल्कोहल इंटेक अगर किसी पेशेंट ने किया है, एल्कोहल इंटेक कोई पेशेंट कर रहा है
तो जो भी पेशेंट एल्कोहल का आदि होता है उसकी बॉडी में विटामिन B6, B9, B12 की कमी हो जाती है, क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन जो रहता है वो लीवर के अंदर होता है। ठीक है, तो एल्कोहल एब्जॉर्प्शन वाला एल्कोहल जो है इंटेक जो ले रहा है तो उसकी बॉडी में विटामिन B6, B9, B12 की कमी हो जाती है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। अगर लगातार शराब पी रहा है उसके कारण लीवर सिरोसिस हुआ, यानी हिपेटोसाइट सेल जो रहती है उसका डिस्ट्रॉय हो जाना लीवर सिरोसिस के लगता है। तो अगर लीवर सिरोसिस हुआ, लीवर के फंक्शन जो है इम्पेयर्ड हो गए, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होगी, विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो विटामिन की कमी हमारी बॉडी में हो जाएगी, जिसके कारण वुंड हीलिंग की प्रोसेस जो कि कोलेजन सिंथेसिस के द्वारा होती है, जो कि विटामिन सी की उपस्थिति में होता है, वो प्रोसेस नहीं होगी, वुंड हीलिंग नहीं होगा। वुंड हीलिंग अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में वुंड हीलिंग की प्रोसेस नहीं होगी। तो यही वुंड हीलिंग की प्रोसेस जो है एथेलोस्प्रोसिस क्रिएट कर सकता है, और यही एथेलोस्प्रोसिस CAD कॉज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हाइपर होमोसिस्टीनेमिया भी जो है CAD को क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किस तरह से जो है CAD कॉज करता है, तो फर्स्ट में अगर बार बार अगर रिकरेंट ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, रिकरेंट इंक्रीज BP, अगर बार बार अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसके कारण कोरोनरी आर्टरी इंजर्ड होगी, कोरोनरी आर्टरी अगर इंजर्ड होगी तो वहां की एपिथेलियल लेयर जो है वो भी डैमेज होगी, एपिथेलियल डिस्ट्रॉय, वही एथेरोस्क्लेरोसिस की फॉर्मेशन होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस और CAD। यानी बार बार अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, रिकरेंट BP बढ़ रहा है, वो बार बार जो BP है वो बार बार ब्लड प्रेशर अगर ये हमारे कोरोनरी आर्टरी यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो गया है, जिसके कारण ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, और जो हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है वो बार बार डैमेज हो रही है, एपिथेलियल डैमेज हो रही है, जिसके कारण एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हो जाएगा, वही एथेरोस्क्लेरोसिस जो है CAD को कॉज करेगा। ठीक है, इरेगुलर लाइफ स्टाइल के कारण भी जो है वेट गेन होने के कारण लिपिड का बढ़ेगा, लिपिड बढ़ेगा तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा तो ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, ब्लड की डिमांड जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, और वही CAD कॉज करेगा। ठीक है, कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो किसी ऑब्स्ट्रक्शन का कोरोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होना, जिसके कारण ब्लड सप्लाई जो है वो कम, ब्लड डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण मल्टीपल ऑर्गन प्रभावित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उस ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, और हर एक ऑर्गन हर एक सिस्टम को जो है वो उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वहां पर डाइजेशन की प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, ठीक है, वो अफेक्ट हो जाएगी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन सेल जो रहती है वो ऑक्सीजन के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होती है। अगर कुछ समय के लिए जो है ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन के फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाते हैं, जिसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, यानी कुल मिला के हर एक ऑर्गन में ब्लड जो है जो पहुंचना चाहिए प्रॉपर अमाउंट में वो नहीं पहुंचेगा, कम मात्रा में पहुंचेगा, जिसके कारण ब्लड के फंक्शन जो है जो ऑर्गन के फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे।
और अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशन होने के चांस है। ये कुछ जो थे रिस्क फैक्टर थे जिनके बारे में हमने डिस्कस करा पैथोफिजियोलॉजी वाइज। अब कुछ नॉन मॉडिफिकेबल फैक्टर है जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसमें जो जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक की अगर बात करें तो ये जीन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे बॉडी में गुड जीन और बैड जीन जो रहते हैं वो पाए जाते हैं। कुछ जीन जो रहते हैं हमारे बॉडी के लिए काफी फायदेमंद रहते हैं, तो कुछ जीन जो रहते हैं हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक रहते हैं। ठीक कोरोनरी आर्टरी डिजीज की अगर बात करें, CAD की अगर बात करें, तो 40 नंबर का जो जीन रहता है वो हमारी हार्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज को कॉज करता है। ठीक है, 40 नंबर का जीन जो रहता है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन कर देता है। 40 नंबर का जीन, जीन नंबर 45, जीन नंबर 40 जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस की, एथेरोस्क्लेरोसिस की फॉर्मेशन कर देता है, उसके कारण CAD होता है। ठीक है, ये जेनेटिक मेकअप मेन जो रहता है जिसके कारण CAD होता है, ये हमने डिस्कस करे रिस्क फैक्टर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ CAD के क्या क्या साइन है और क्या क्या सिम्टम है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो साइन एंड सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के जो सिम्टम्स है वो डिपेंड करते हैं एक्चुअल कोज क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन कितना बड़ा है और ब्लॉक कितने हैं, कितने ब्लॉक हैं और कौन सी आर्टरी जो है कोरोनरी आर्टरी का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचेस भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम डिपेंड ऑन कॉज, ऑब्स्ट्रक्शन, नंबर ऑफ ब्लॉक एंड विच पार्ट अफेक्ट ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले कोरोनरी आर्टरी, जो कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी में डिवाइड होती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की मेन ब्रांच अगर देखें तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफेरेंस आर्टरी। आर्टरी ये पाई जाती है। ठीक है, अगर इधर बात करें तो इधर राइट राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ऐसे नोडल आर्टरी एवी नोडल आर्टरी, ये आर्टरीज जो रहती हैं ये इनकी ब्रांचेस है। कोरोनरी आर्टरी दो भाग में डिवाइड होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की मेन ब्रांच जो है लॉटो आर्टरी यानी लेफ्ट असेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफेरेंस आर्टरी। ठीक है, इसके बाद राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड एसे नोडल आर्टरी और एवी नोडल आर्टरी। एक और नॉन मॉडिफिकेबल रिस्क फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे, हेरिडेटरी। हेरिडेटरी यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो रहती है मेनली जो मेल को अफेक्ट करती है कंपेयर टू फीमेल। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहता है जो कि हाइपरटेंशन को कॉज करता है।
हाइपरटेंशन अगर कोज हो रहा है तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने के चांस है। फीमेल्स में, फीमेल की अगर बात करें तो इनके अंदर एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है और जो है सीएडी के चांस जो रहते हैं वो कम रहते हैं। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है हेरिडिटरी, हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देखेंगे कि सीएडी के क्या साइन एंड सिम्टम्स है। तो मेन मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज चेस्ट पेन, जब भी सीएडी होता है उसका मोस्ट कॉमन अगर सिम्टम्स है तो वो चेस्ट पेन है। क्यों होता है चेस्ट पेन, तो बार बार एक ही बात बोलूंगा मैं, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, सप्लाई कम हो गई है, डिमांड बढ़ गई है। कहां पर? मायोकार्डियल। ठीक है, हमारा हार्ट में मायोकार्डियम जो है ब्लड का सप्लाई कम हो गया है, यानी मायोकार्डियम परफ्यूजन जिसको बोलते हैं, मायोकार्डियल परफ्यूजन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। परफ्यूजन है ब्लड सप्लाई किस तरह से होता है, डिक्रीज मायोकार्डियल परफ्यूजन क्यों, किसमें, चेस्ट पेन में। चेस्ट पेन हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि मायोकार्डियल परफ्यूजन कम हो गया, इसके कारण एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हुआ, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म क्रिएट हुआ। उसके कारण लैक्टिक एसिड रिलीज हुआ, रिलीज लैक्टिक एसिड और एंजाइनल पेन क्रिएट हुआ। ठीक है, जब भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है सबसे पहले मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो रहता है वो चेस्ट पेन क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर क्रिएट हो रहा है यानी सप्लाई इम्पेयर्ड हो गई है, ठीक है, तो मायोकार्डियल जो परफ्यूजन है यानी मायोकार्डियल में ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, उसके कारण एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और लैक्टिक एसिड रिलीज कर देगी, जिसके कारण एंजाइनल पेन होता है जो कि मोस्ट सिम्टम है, यानी चेस्ट पेन, एंजाइनल पेन। उसके कारण अब एंजाइनल पेन अगर पेन क्रिएट हो गया है, पेन स्टार्ट हो गया है, तो उसके कारण जो है हार्ट की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, पाल्पिटेशन, हार्ट जो है पाल्पिटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और इसके कारण डिस्निया हो जाएगा। डिस्निया एक तो पाल्पिटेशन के कारण भी होता है और दूसरी अगर बात करें तो सप्लाई कम हो गई है ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर जो रहता है अपना उसके फंक्शन जो रहते हैं वो अल्टर्ड हो जाएंगे, अल्टर्ड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर और डिस्निया क्रिएट होगा यानी इम्पेयर्ड हो जाएंगे फंक्शन। एक कारण तो चेस्ट पेन हुआ, चेस्ट पेन के कारण पाल्पिटेशन, एंजाइनल पेन और उसी के कारण डिस्निया क्रिएट हो जाएगा। दूसरा जो है ब्रेन में ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ब्रेन का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो काम करना बंद कर देगा, उसके फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएंगे और इम्पेयर्ड अगर फंक्शन हो रहे हैं तो डिस्निया क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म है कि चेस्ट पेन किस तरह से होता है। उसके बाद दूसरा सिम्टम्स अगर देखें तो जो है वीकनेस, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, फटीगनेस, समटाइम नोसिया एंड वोमिटिंग,
कंफ्यूजन, इंटॉलरेंस एक्टिविटी, एक्टिविटी जो है इंटॉलरेंस हो जाएगी, रेस्टलेसनेस, ये सारे सिम्टम्स सीएडी में देखने को मिलेंगे। और इन सब के अलावा जितनी भी हार्ट डिजीज होती है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज इनको सबको कोज कर सकता है। इन सब के कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण सारी डिजीज हो सकती है, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको एमआई बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि सीएडी एक प्राथमिक स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, जिसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है, उसके कारण ब्लड सप्लाई कम होती है और डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, तो सीएडी हो जाता है, ठीक। अगर ये लंबे टाइम तक अगर क्रिएट हुआ या सीएडी को हमने प्रॉपर ट्रीट नहीं किया तो उसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन धीरे 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 पूरे ब्लड वेसल्स के डायमीटर को अफेक्ट कर दे, और यहाँ की मायोकार्डियल सेल्स जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो कि एमआई का रूप ले लेगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी टोटली डिस्ट्रक्ट ऑफ मायोकार्डियल सेल, इट्स कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देखा, अब देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं हम सीएडी में। फर्स्ट हम हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे कोई स्मोकिंग वाली हिस्ट्री तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, एल्कोहल कंजप्शन वाला पेशेंट तो नहीं है, ये सब हम देखेंगे और कोज को डिटेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें ऑस्कल्टेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में वाइटल मॉनिटरिंग भी करेंगे हम, जिसमें बीपी, ब्लड प्रेशर जो है वो रेज मिल सकता है, रेस्पिरेशन रेट रेज मिल सकती है, टेकिकार्डिया हो सकता है, पल्स रेट जो है वो भी बढ़ी हुई मिल सकती है, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम चेक करेंगे हार्ट की, किसी प्रकार का कोई इम्पेयरमेंट तो नहीं है। इकोकार्डियोग्राफी को भी करवाएंगे, इकोकार्डियोग्राफी इसमें भी हार्ट के फंक्शन को असेस करेंगे हम। इसके अलावा एंजियोप्लास्टी भी होती है, एंजियोग्राफी भी होती है, एंजियोग्राफी काफी इफेक्टिव है, इसमें हम विजुअलाइजेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, यानी कोरोनरी आर्टरी के अंदर विजुअलाइजेशन करेंगे और देखेंगे कहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है, कितने ब्लॉक हैं, कहां कहां पर ब्लॉक है, कौन सी आर्टरी में है, ये सब हम एंजियोग्राफी के थ्रू करेंगे, ठीक है। ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट की बात करेंगे, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है, कोई भी मैनेजमेंट डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर, सीवियरिटी कितनी है, क्या कोज है, कौन से साइन एंड सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, इन सब के थ्रू हम जो है मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर क्लॉटिंग फॉर्मेशन या थ्रोम्बस फॉर्मेशन है
तो एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें हिपेरिन, वारफरिन आदि देते हैं फर्स्ट मैनेजमेंट। दूसरा जो है एंटी थ्रोम्बोलाइटिक थ्रोम्बस फॉर्मेशन अगर क्रिएट हो रहा है, अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन है ठीक है तो वहां पर एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट भी प्रोवाइड करते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट में एसटीके, स्ट्रेप्टोकाइनेस हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा थर्ड मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वी विल वी शुड प्रोवाइड जो है हम एंटी एनाल्जेसिक जिसको बोलते हैं मॉर्फिन सल्फेट या एनाल्जेसिक मॉर्फिन सल्फेट जो है हम प्रोवाइड करते हैं। एनाल्जेसिक है ये, चेस्ट पेन अगर क्रिएट हो रहा है, चेस्ट पेन की हिस्ट्री है तो हम मॉर्फिन सल्फेट भी प्रोवाइड करते हैं। इन सब के अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं। एक इफेक्टिव अगर मैनेजमेंट की बात करें हम, इफेक्टिव मैनेजमेंट की अगर बात करें हम, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं या करेंगे तो उसमें एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के प्रोसीजर होती है जिसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन कोरोनरी आर्टरी के अंदर है तो ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू गाइड वायर के थ्रू इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्रिएट करते हैं जो है डिस्ट्रॉय करते हैं और इस ऑक्लूजन या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन है या एथेरोस्क्लेरोसिस है तो इसको हम यहाँ से डिस्ट्रॉय करेंगे और यहाँ से हटा देंगे ताकि इसका पेटेंट जो है वो नॉर्मल हो जाए। ब्लड वेसल्स का कोरोनरी आर्टरी वेसल्स जो है कोरोनरी आर्टरी इसका पेटेंट नॉर्मल हो जाए और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। इसलिए इस प्रोसीजर में इस जो भी एथेरोस्क्लेरोसिस है या थ्रोम्बस का फॉर्मेशन इसको हम हटा देते हैं, एक सर्जिकल प्रोसीजर है। ठीक है, अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें हम तो इसमें हम पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। अगर ऑक्सीजन की कमी है, मायोकार्डियल परफ्यूशन कम है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे, इनपुट आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है, ड्रग जो कि राइट ड्रग राइट डोज जो कि राइट से है, जितने भी राइट से उन राइट ड्रग राइट डोज राइट मेथड राइट पेशेंट राइट टाइम राइट रिफ्यूज राइट इवेल्युएशन एंड राइट एजुकेशन के थ्रू जो है हम ड्रग प्रोवाइड करेंगे। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमने डिस्कस करा। हेल्थ एजुकेशन जो कि एक आम इंसान के लिए जरूरी है कि हम इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज से किस प्रकार से प्रिवेंट हो सकें, ठीक है, किस प्रकार से हम इसको कम कर सकें, तो इसके लिए हमको साइन एंड सिम्टम्स का ज्ञान होना जरूरी है, क्या कॉज है इसका ज्ञान होना जरूरी है। तो इसके लिए लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में बताना चाहिए, एक आम लोग के लिए जानकारी देना चाहिए कि स्मोकिंग के कारण किस तरह से हार्ट डिजीज होती है, एल्कोहल के कारण किस तरह से होती है, ठीक है, हाइपरटेंशन किस तरह से क्रिएट करता है, तो एल्कोहल के थ्रू भी हम एल्कोहल के थ्रू भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है स्मोकिंग के थ्रू, तो इन सब रिस्क फैक्टर के बारे में लोगों को बताकर उनको अवेयर करना चाहिए ताकि हम इस प्रकार के मेजर डिजीज से प्रिवेंट हो सके और इसकी जो डेथ रेट है उसको हम कम कर सकें। सो आज हमने डिस्कस करा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डिफाइन किया फिर क्या होती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से कोज हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट है, ये हमने डिस्कस करा। थैंक यू।